दोस्तों मैं आज हूँ वनमई एक्वाडिक्स एक्वेरियम फिश शॉप में, जो कुरला फिश मार्केट में लोकेटेड है। तो आज मैं इनके पास आया हूँ एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग वेराइटीज़ के एक्वेरियम फिश है, काफ़ी रिजनेबल रेट में रहते हैं, क्वालिटी एक्वेरियम फिश आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे स्टॉक है वो जस्ट अराइव हुआ है, और आज हम लोग यहाँ पे पूरा स्टॉक है वो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें पूरी तरह से गाइड करने वाले हैं वनमई एक्वाडिक्स एक्वेरियम स्टोर के ओनर, जिनका नाम है मनीष पाटिल। मनीष सर आप कैसे हो? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ सर। हाँ। तो पहली बात तो थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर से मुझे बोला है पूरा स्टॉक है वो कवर करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा, लास्ट वीडियो में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आपके वीडियो पे। तो सर इस बार हम लोग कौन सा स्टॉक है वो कवर करने वाले हैं, कौन सी वेराइटीज़ है, और आपके शॉप के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? इस बार थोड़ा नया स्टॉक भी अपडेट हुआ है, नए वराइटीज़ आई हुई है, उसी के लिए आपको मैंने बुलाया है। बहुत सारी वराइटीज़ है, नए इम्पोर्ट में भी वराइटीज़ नहीं है, लोकल में भी नई वराइटीज़ है। हमारा शॉप कुरला मार्केट में है, होलसेल मार्केट में है, वनमई एक्वाटिक्स नाम है शॉप का। आपको स्टेशन से नज़दीक ही है, और यहाँ पर आपको फिश सब क्वालिटी फिश मिलेंगे और अच्छे फिश मिलेंगे, अच्छे कंडीशंस में मिलेंगे। जैसे हमारे अभी हम लोग फिश जो भी फिश लाते हैं, तो हम लोग उस फिश के हिसाब से उनको फीडिंग देते हैं अलग अलग। हाँ, उसके लिए फिश जो भी रहेंगे आपको प्रॉपर कलर्स में मिलेंगे, प्रॉपर कंडीशन में मिलेंगे। हाँ, अगर फिश हमारे शॉप में अगर फिश थोड़ा भी अगर बीमार रहेगा तो हम लोग कस्टमर को नहीं देते, हम लोग उसको क्योर करते हैं, उसके बाद ही वापस इंट्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी अच्छा है सर कि आप क्वालिटी एक्वेरियम फिश में आप डील करते हो, और मैंने यहाँ पे पर्सनली देखा है काफ़ी जो अलग अलग वेराइटीज़ के फिश है वो सब एक्टिव फिश है। और मैंने देखा कि कोई भी अगर बीमार फिश रहेगा तो आपने सीधा कस्टमर को रेकमेंड नहीं किया, तो अच्छा लगता है ये सब मतलब देखे कि हाँ चलो एक शॉपकीपर है खुद इनिशिएटिव ले रहा है और बीमार फिश को सेल नहीं कर रहा है। तो सर अभी हम है पूरा वीडियो है पूरा स्टॉक है वो कवर करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे स्टॉक की? अब हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, डिस्कस है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस फिश से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग वेराइटीज के डिस्कस फिश है, तो सर इनके बारे में बताइए। स्नो वाइट है, रेड कवर है और येलो क्रिस्टल है। अच्छा, इनके सब अलग अलग प्राइसेस है। जो रेड कवर है वो आपको 1000 रुपीज़ पर पीस आएगा। अच्छा, रेड कवर कौन सा है इसमें? रेड कवर ये जो ये दिख रहा है ये रेड कवर है। यस यस यस, ये वाला। हाँ हाँ, और वो पीछे भी है। हाँ ये ना। हाँ, और बाद में स्नो वाइट, ये स्नो वाइट, ये वाला स्नो वाइट है। हाँ, और ये वाले येलो क्रिस्टल है। अच्छा अच्छा, और सर इनका क्या प्राइस रहेगा? येलो क्रिस्टल आपको आएगा 750, स्नो वाइट भी 750 पर पीस है कि पर पीस। और जो रेड कवर है वो आपको 1000 रुपीज़ पर पीस आएगा। अच्छा अच्छा, सर यहाँ पे मैं आरवाना देख रहा हूँ, ये अल्बिनो आरवाना है। अच्छा, क्या साइज में आप ये? ये 5 इंच का है। अच्छा, ये आपको 2200 रुपये तक आ जाएगा। अच्छा, 5 इंच का है। हाँ, काफ़ी कम रेट में। कोई अगर न्यू हॉबीस्ट है, अगर वो अरवाना देख रहा है तो ये ऐसे अरवाना ले सकते हैं ना? ले सकता है। तो जिसको अरवाना ही रखने का, वो भी अगर सिल्वर से किसी को अपग्रेड करने का है तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। हाँ, पिकॉक बास है। यस यस, पिकॉक बास में ये मोनोकुलस पिकॉक बास है। हाँ हाँ हाँ, ये 2.5 इंच प्लस है। यस, ये आपको 400 रुपीज़ पैर आएगा। अच्छा, ये सब मिक्स एंजल्स है। हाँ हाँ, इसमें ब्लू एंजल है और मार्बल एंजल है। यस, घोस्ट एंजल है। हाँ हाँ, क्लाउन भी एंजल है। अच्छा, क्लाउन एंजल। क्लाउन कौन सा इसमें? इसमें क्लाउन देखो जो स्पॉटेड दिख रहे हैं, देखो जैसे कि ये है। ओके, ये वाला है। यस यस, ये सब क्लाउन एंजल है। यस, ब्लू एंजल भी है। अच्छा, जो वेल्टन दिख रहे हैं वो ब्लू एंजल से ब्लू है ना? हाँ, क्या इनका रेट रहेगा? ये आपको 200 रुपीज़ पैर आएगा। अच्छा, और जो बड़े बड़े मार्बल दिख रहे हैं वो 300 रुपीज़ पैर। ये टुकान फिश है। अच्छा, टुकान ये ऑस्ट्रेलिया का मतलब वहाँ से मेन उसका ये है। बराबर, ऑस्ट्रेलियन फिश है। यस, ये आपको आएगा 400 रुपीज़ ईच। अच्छा, ये 8 इंच तक बढ़ता है। अच्छा, 8 इंच। हाँ, अभी ये 3 इंच का है।
ये सब मलावी चिकलेट्स है। अच्छा मलावी है क्या? मिक्स मलावी चिकलेट्स। यस यस। क्या साइज रहेगा अभी इनका? ये 3 इंच प्लस है। तो क्या इनका प्राइस है? इनका प्राइस आपको 300 रुपीज पर पेयर आएगा। अच्छा 300 रुपीज का पेयर। ये अच्छा है ना, मतलब अगर कोई बिगिनर है वो सिकलेट फिश रखना चाहता है हाँ। तो इसके साथ वो शुरुआत कर सकता है ना? कर सकता है, क्योंकि रिजनेबल भी रेट में आते हैं हाँ। मैंने देखा है, और मतलब अच्छा है, हार्डी भी फिश है हाँ। ये सर आरवाना? ये पल आरवाना है। अच्छा। ये 8 इंच का है। यस। ये आपको 5000 का आ जाएगा। 5000 काफ़ी, मतलब साइज में काफ़ी अच्छा है। साइज अच्छा है। और ये सर यहाँ पे इसमें फ्रेंटोसा है हाँ। और वारुच चिकलेट है। अच्छा फ्रेंटोसा का क्या रेट है? फ्रेंटोसा आएगा आपको 450 पर पीस ना? पर पीस हाँ हाँ। और वारु भी 450 पर पीस है। तो सो अगर आप फ्रेंटोसा चिकलेट ले रहे हो स्मॉल साइज भी चाहे तो यहाँ पे अवेलेबल है, 450 का रेट है। और ये वारु चिकलेट भी है जो काफ़ी मतलब आपको रेयरली देखने के लिए मिलते हैं, पर अभी वन में एक्वाडिक्स में उनका स्टॉक अवेलेबल है। फ्लकट फाइटर है। अच्छा फीमेल है कि मेल? फीमेल है। फीमेल है ना सारे हाँ। क्या इनका सर प्राइस रहेगा? ये 100 रुपीज पर पीस। अच्छा ये वीजा है? अच्छा रेड वीजा। यस यस। इसको अभी कलर नहीं आया है हाँ हाँ। छोटा साइज है करके ये आपको आएगा 150 पर पीस आ जाएगा। यहाँ पे वरंडा है, कैलिको वरंडा है, जाइंट वरंडा है, रेंचो भी है। जो जाइंट वरंडा है वो आपको 6000 का आएगा। कौन सा इसमें है ना वरंडा? जाइंट वरंडा, ये कैलिको वरंडा है। कैलिको ये हाँ, ये जाइंट वरंडा काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है। ये भी जाइंट में आता है हाँ, जाइंट में ही है। वो मेल फीमेल है, पेयर है मेरे पास। अच्छा पेयर है क्या? हाँ। उन्होंने एगले वगैरह किए हैं ना? किया यह मतलब लास्ट टाइम अंडे डाले थे। अच्छा, अच्छा। वो साइपनिंग में निकल गए। और ये सर रैंचो? रैंचो है। क्या उसका प्राइस? लाइन हेड रैंचो है, वो 3500 का पर पीस है। और ये सर कैलिको? कैलिको आएगा आपको 4000 रुपये जोड़ा। अच्छा 4000 हाँ। और इनका साइज क्या? जैसे रैंचो उसका साइज क्या? रैंचो 5 इंच का है। और ये कैलिको? वो 4 इंच के। अरे मैंने देखा एक्सोटिक है ना गोल्ड? एक्सोटिक 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 गोल्ड फिश आपको रेयरली देखने के लिए मिलता है कुर्ला फिश मार्केट में, बट वन में एक्वाडिक्स के पास है एक्सोटिक गोल्ड फिश। एक्सोटिक गोल्ड फिश अगर रिजनेबल रेट में देख रहे तो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। नॉर्मल भी गोल्ड फिश है वो हम लोग कवर करेंगे, वो भी आपको मैं अभी दिखा ही देता हूँ मैं। और अभी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ये जो नॉर्मल गोल्ड फिश है, हम बहुत सारे शॉप में देखते हैं। सर कौन सी गोल्ड फिश है? ये लाइन हेड वरंडा गोल्ड है। अच्छा अच्छा। क्या इसका साइज है? ये लगभग 3.5-4 इंच का है। यस। क्या प्राइसिंग रहेगा? ये 400। अच्छा 400 का सिंगल ना? पेयर। अच्छा पेयर है? पेयर है 400 का। और ये बॉम्बे का ही है। अच्छा मतलब ये बाहर से कलकत्ता या मद्रास से आता है वो वाला नहीं है हाँ, ये बॉम्बे का ही है। तो सब देख सकते हो 200 का ईच है पर पीस है, 400 का पेयर है। और आप क्वालिटी देख सकते हो, और मुंबई में हो तो मुंबई का ये पूरा ब्रीड है, तो काफ़ी अच्छा सेट गोल्ड फिश है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजली, आप देख सकते हैं ये रेड बन जा रहा है। अच्छा ये 12 इंच का है। यस यस। ये आपको 16000 का आ जाएगा विद सर्टिफिकेट। अच्छा विद सर्टिफिकेट है ना? यहाँ पे सिल्वर टीम फॉइल है हाँ, अपना रेड स्पॉटेड सिवराम है। अच्छा। उसमें रेड शोल्डर रॉट किल भी है। यस यस। जो छोटा साइज में है ये जो है वो ये रॉट किल है। बराबर। ये रेड सिवराम और सिल्वर शार्क भी है। बराबर। क्या इनका प्राइसिंग है? इसका सब अलग अलग प्राइस। सिल्वर शार्क है वो आपको आ जाएगा 300 रुपये पैर। रेड स्पॉटेड सिवराम 500 रुपये का पैर है। बराबर। और जो रॉट किल है वो आपको आ जाएगा 400 रुपये जोड़ी। यहाँ पे मेरे पास ये रेड पैरेट्स है हाँ। और ग्रीन टेरर। यस। ग्रीन टेरर आपको आ जाएगा 350 पे हाँ हाँ। और पैरेट 700 रुपये पे है। यहाँ पे डिस्कस है, उसमें वो वाइट फेस रेड मेलन है हाँ।
और ब्लू डायमंड की पेयर है मेरे पास, ब्रीडिंग पेयर है। और थोड़े हाँ ब्रीडिंग पेयर है और लेपर्ड है। क्या इनका प्राइसिंग रहेगा? ये जो ब्रीडिंग पेयर है ब्लू डायमंड का, वो मैं 7,000 में निकल रहा हूँ। ये ब्रीडिंग पेयर है? हाँ ब्लू डायमंड ब्रीडिंग पेयर है, सेट पेयर है, प्रूवन पेयर है। प्रूवन पेयर है। अच्छा, बाकी ये जो पीस है वो सब 2,500 में निकल रहा हूँ। अच्छा, क्या साइजिंग है इनका? ये 5 इंच प्लस है, ये टाइगर ऑस्कर है। हाँ, ये आपको आएगा 350 पेयर। अच्छा, 350 का। हाँ, इसका साइज है 3 इंच। इसमें प्लैटीज है सब मेरे पास। एक्चुअली क्या है, मैं मॉली वगैरह ये सब रखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्लैटी ही रखता हूँ, क्योंकि ये सेट अच्छा होता है, मरता नहीं है। मॉली में मोर्टिलिटी ज़्यादा मिलता है, ये थोड़ा महंगा है लेकिन टिकता है। इसमें मेरे पास ग्रीन प्लैटी है, सेंटा क्लॉस प्लैटी है, अपना कोई प्लैटी है और टक्सीडो प्लैटी है। बराबर। क्या इनका प्राइस है? ये आपको 100 रुपीज़ पेयर आ जाएगा। अच्छा, कोई भी नहीं? हाँ। और यहाँ पे सर रेड चिली ऑस्कर है, ये 500 रुपीज़ पेयर है, और जो लेमन ऑस्कर है वो आपको 400 रुपीज़ पेयर आएगा। क्या इनका साइज है? ये 2.5 इंच है। अगर विदाउट ऑक्सीजन फिश चाहिए किसी को, एक्सोटिक में मेरे पास डॉब गुरामी है, रेड लिली गुरामी है, ये विदाउट ऑक्सीजन एक पॉट में रख सकते हैं। क्या इनका साइज है अभी? ये अभी 2 इंच है और 1 इंच प्लस है। अच्छा, ये आपको 200 रुपीज़ पैर आ जाएगा। 200 का पर ऐसे पैटर्न में मैं फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ जो इतना डार्क पैटर्न है, क्योंकि ये पता है कि मतलब इतने पहले इसके कवर किए तो उनका कलर फेड रहता था, पर इसमें कैसे पूरा कलर इसका विजिबल हो रहा है। ये एक्चुअली इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड? हाँ, वही लोकल में ऐसा पैटर्न मिलेगा ही नहीं आपको। बराबर है, हुई। ये इसमें ब्लैक डायमंड है और ये वाइट प्रिंटेड रहा है। बराबर। और ब्लैक नियॉन है। Yes. क्या इनका प्राइस? ये आपको 360 रुपीज़ डजन मिल जाएगा। अच्छा, और ये सिल्वर टिप कॉपर टेट्रा है। बराबर। वो भी 360 डजन आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डैमसिल और स्पॉटेड डैमोसी। बराबर। वो आपको आ जाएगा 450 पर पीस। क्या साइज है इसका? ये 1.5 इंच साइज है इसका। और ये रेड फैंटम टेट्रा है। अच्छा, ये भी 360 रुपीज़ डजन आ जाएगा आपको। ये सर्फी टेट्रा। अच्छा, सर्फी टेट्रा है, उसमें अप्स एंड डाउन कैटफिश है। बराबर। और ग्रीन टाइगर है। बराबर। सर्फी क्या 40-50 रुपीज़ पेयर आ जाएगा। यस, 240 का डजन आ जाएगा। जो ग्रीन टाइगर है वो आपको 200 रुपये पैर आ जाएगा। अच्छा, पीछे वाला ना? हाँ, पीछे वाला। और ये सर? ये अल्बिनो पाको पिराना है, ये 200 रुपीज़ पैर आ जाएगा। ये कलर व्यूड है, ये आपको 360 रुपये डजन मिल जाएगा। ये ब्लैक गोस्ट आपको 350 पैर आ जाएगा। इसका साइज है लगभग 6 इंच का साइज है। अच्छा, इसमें रेड रेनबोज है और न्योन रेनबोज है। न्योन रेनबो आपको आ जाएगा 200 रुपीज़ पैर। Yes. और जो रेड रेनबोज है वो आपको 350 पेयर आ जाएगा। ये पोला पैरेट है। यस। ये आपको 80 रुपीज़ पेयर आ जाएगा। सर, ये फीडिंग श्रिम्स है। आप ये अपने, अगर आपके पास आरवाना है, फ्लावरन है, ऑस्कर है, उनके लिए लाइव फीड दे सकते हैं। अच्छा, क्या ये इसमें क्या है, कैरेटिन है। इससे क्या मच्छी को नेचुरल कलर एनहेंस होता है और हाई प्रोटीन है। अच्छा, मैं फीडिंग स्ट्रीम तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हाँ, ये अभी अभी चालू किया है हम लोग ने। हाँ, अच्छा, काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। यस यस, अगर किसी को चाहिए तो वो मिल जाएगा। 100 रुपये डजन बेच रहे हैं हम लोग। अच्छा, अगर कोई हॉबीस्ट है, रखना चाहता है, तो ऐसा कुछ है क्या? रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। एक वर्क करता है क्या, जो नॉर्मल श्रिम्प रहता है वैसे एल्गी वगैरह खाने का वर्क करता है? नहीं नहीं, ये बड़े होते हैं, ये छोटा मच्छी को पकड़ते हैं। अच्छा, ये खाली फीडिंग के लिए ठीक है। नहीं, कोई हॉबीस्ट ऐसा सोचेगा इसके लिए? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी मच्छी को पकड़ लिया तो उसका रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। बराबर बराबर। इसमें मेरे पास एंजल है और क्रेबेंसिस है। अच्छा,
क्रेबेंसिस आपको मिल जाएगा 350 पैर, अच्छा साइज है, बड़ा साइज है। यस, एंजल आपको 80 रुपीस पैर आ जाएगा। ये जर्मन रैमर हो जी, यस, ये आपको 250 का पैर आ जाएगा। और ये सर, ये स्पॉटेड कैटफिश, ये 60 रुपीस पैर आ जाएगा। ये डायनासोनिक बाब है, ये आपको 100 रुपीस ईच आ जाएगा। ये गप्पीज है ब्लैक मॉस्को, ये आपको 200 रुपीस पैर आ जाएगा। और ये सिल्वर डॉलर, ये 50 रुपये जोड़ी आ जाएगा, को 100 रुपीस पैर आ जाएगा। ये भी ब्लैक गप्पीज है। और ये रोजी बाब है, ये 40 रुपीस पैर आ जाएगा। और यहाँ पे ये बिनस टेट्रा है, ये भी आपको 40-50 रुपीस पैर आ जाएगा। ये नियॉन टेट्रा है, नियॉन टेट्रा आपको 240 रुपीस डजन आ जाएगा। लिटिल सर्फी है, ये आपको 100 रुपीस पैर आ जाएगा। यहाँ पे ये वो जाइंट वारंडा के बेबीज है, जो मेरे कलीग्स है, मतलब मेरा फ्रेंड है, उसने ब्रीड किया था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये आपको आ जाएगा 100 रुपीस ईच आ जाएगा। ये पोलर पैरेट है, ये थोड़ा बड़ा साइज है, ये आपको 200 रुपीस पैर आ जाएगा। वाइट में तो काफ़ी रेयरली देखने के लिए, हाँ, इसे थ्रो बैक कम निकलता है, इसके लिए वाइट में कम मिलता है। अच्छा, हाँ, ये काम्फा है, हाँ, ये 3000 रुपीस पर पीस है। क्या साइज है इसका? इसका ये 6 इंच का है। और यहाँ पे ये SRD, ये आपको आ जाएगा 1200 रुपये पर पीस आ जाएगा। ये 4-5 इंच का पीस है, काफ़ी अच्छा है, मतलब हाँ साइज शेप काफ़ी अच्छा है इसका। और ये भी काम्फा है, हाँ हाँ, ये भी आपको 1000 तक मिल जाएगा। अच्छा, 1000 में, हाँ। तो सब फ्लोरा में काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो काफ़ी रिजनेबल रेट में है। यहाँ पे मेरे पास सब एक्वाटिक प्लांट्स है, सब मिक्स प्लांट्स है। यस, ये आपको 80 रुपीस बकेट आ जाएगा, 80 रुपीस का पॉट ना, हाँ, 80 रुपीस पॉट। और मेरे पास बंच भी है, अच्छा, पिग्मी ग्रास का, ये आपको 150 बंच आ जाएगा। अच्छा अच्छा। और एक सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मतलब प्लांट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या सर रीज़न? यहाँ पे हम लोग है ना, इसको जो प्लांट्स है ना सेट रखते हैं, इसको डेली साइफन वगैरह ये सब बराबर कोको कॉइल में इसको सेट किया हुआ है। इससे क्या, उसके रूट्स डैमेज नहीं होते और प्लांट्स ख़राब नहीं होते। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्टिक्स भी है, हाँ हाँ, स्टिक्स काफ़ी है। हाँ दोस्तों, है पॉटेड प्लांट है, और सर बड़ा ग्रास है ना ये क्या? हाँ, वो उसको जाइंट सर्किडिया बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये 150 का बंच आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मनीष सर, काफ़ी अच्छा लगा मुझे पूरा इंटायर स्टॉक है वो कवर करके। इस बार भी आपने अलग अलग वेराइटीज के एक्वेरियम फिश है, काफ़ी रिजनेबल रेट में आप सेल कर रहे हो, और काफ़ी अच्छा लगता है एक हेल्दी स्टॉक है वो पूरा कवर करके। तो सर, आप क्या बोलना चाहते हो एंड पार्ट पे इस वीडियो में? पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, आप आए, वीडियो बनाया हमारा शॉप का। और सेकंड थिंग, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक अभी जो देखा है आपने, इसमें बहुत सारा एड ऑन होता रहेगा। बराबर, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आप बताइएगा, वो टाइम पे मेरे पास जो भी अवेलेबल रहेगा मैं आपको वो भी सप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हर 2 दिन में यहाँ पे स्टॉक अपडेट होता है। बराबर है, तो आपको हर बार नया चीज मिलेगा यहाँ पर। वैसे प्राइसिंग रिटेल और होलसेल का अलग है ना? हाँ, क्वांटिटी रहेगी तो उसमें प्राइसिंग में भी फर्क पड़ता है उसमें। यस, क्योंकि हम लोग कैसे अभी जो भी फिश रखते हैं तो क्वांटिटी में मार्जिन थोड़ा कम आ जाता है। हाँ, तो आपको रिजनेबल भी हो जाएगा क्वांटिटी। बराबर, थैंक यू मनीष सर कि आपने आपका कीमती वक्त है पूरे वीडियो के लिए दिया, और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने गाइड किया पूरे हमारे हॉबीज को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।